नमस्कार, आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौर। दोस्तों, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय रावण के बेटे मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। तब लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया था। तो क्या वो संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है, और अगर है तो कहाँ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में रामायण से जुड़े स्थानों के बारे में अध्ययन एवं शोध को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके द्वारा किए गए अनुसंधानों के अनुसार श्रीलंका के दक्षिणी समुद्र किनारे पर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी के लिए लाए पहाड़ का हिस्सा है। पहाड़ को हनुमान जी हवा में उड़ाकर लाए थे, इसलिए जहां इस पहाड़ के हिस्से गिरे उस जगह का वातावरण एकदम बदल गया और वो जगह आसपास की जगहों से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। श्रीलंका में मौजूद रोमा रसला और रीतिगाला पर्वत को आज भी उस पर्वत का हिस्सा माना जाता है जो हिमालय से भगवान हनुमान जी के द्वारा लाया गया था। इस पर्वत की सबसे खास बात यह है कि इसकी मिट्टी से लेकर इसके ऊपर उगने वाले पेड़ पौधे तक श्रीलंका में नॉर्मली उगने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल ही अलग हैं। और इससे एक बात एकदम साफ हो जाती है कि ये पहाड़ श्रीलंका में मौजूद अन्य पहाड़ों का हिस्सा नहीं है। इस पहाड़ पर उगने वाले पौधों पर कई वैज्ञानिक शोध हुए और उनमें ये बात साफ हो चुकी है कि रूमा रसला और रीतिगाला पर उगने वाले पौधों में अद्भुत किस्म के औषधीय गुण पाए गए हैं। तो क्या इन्हीं पौधों में कहीं संजीवनी बूटी छुपी है? इसका जवाब दो अलग अलग मत हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार संजीवनी बूटी कोई एक पौधा विशेष नहीं था, बल्कि संजीवनी बूटी एक प्रकार की दवा थी जो कई औषधीय पौधों को मिलाकर बनाई जाती थी। यहाँ उगने वाले औषधीय पौधों को सही अनुपात और सही गुणधर्म में मिलाने से आज भी संजीवनी बूटी का निर्माण किया जा सकता है। वहीं धर्म गुरुओं के अनुसार संजीवनी बूटी एक विशेष प्रकार की औषधि होती है जिसकी पहचान रामायण में स्वयं वैद्य सुसेन ने बताई थी। सुसेन के अनुसार संजीवनी बूटी चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी है जो कि आज भी मौजूद है, लेकिन उसे पहचानना और ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। शोधकर्ताओं और धर्मगुरुओं के मत अपनी अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन जो भी हो इतना तो ज़रूर है कि अगर आज भी असली संजीवनी बूटी की पहचान हो जाए तो हजारों असाध्य रोगों से मुक्ति मिल सकती है।